हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर थर्ड। और इससे पहले हमने काफ़ी सिविल वॉर्स के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिविल वॉर के बारे में। सो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर क्या क्या आउटकम थे सिविल वॉर के इन द लंका, श्रीलंका। सो थाउजेंड ऑफ द पीपल हैव बीन किल्ड, क्योंकि सिविल वॉर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए। उसके बाद में मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव इन द कंट्री। सो काफ़ी ज़्यादा तमिल्स को फोर्सफुली निकाल दिया गया श्रीलंका से। ये माना जा रहा था कि जो तमिल टाइगर्स हैं या फिर जो भी तमिल लोग हैं उसके वजह से सिविल वॉर हो रहा है, उनके साथ और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। फिर मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। ऑब्वियसली व्हेन कंट्री एंड द नेशन इज इन वॉर तो वहाँ पे लाइवलीहुड होगा ही नहीं। सब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को छोड़कर वॉर के पीछे लगेंगे, तो वहाँ पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड को उसने इम्पैक्ट किया। देन ग्रेट लॉस फेस बाई सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, दैट सिविल वॉर हैज़ कन्वर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन टू अ मेस। किस तरीके से, ना ही सोशल डेवलपमेंट है ना ही कल्चरल, और इकोनॉमिक तो आप सोच नहीं सकते। सो एक क्वेश्चन है, वॉट वर द डिमांड ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स। प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंकन तमिल्स सिविल वॉर कर क्यों रहे। अगर हम देखें सो उनकी डिमांड सबसे पहले थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए, नॉट ओनली सिलेना तमिल को भी बना दी जाए। देन उनकी सेकेंड थी रीजनल ऑटोनॉमी, थर्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन, फोर्थ वन इज पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स मींस ऑन द मैटर ऑफ वोटिंग प्लस प्लेसिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, कि हम हमारी खुद की भी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए सो दैट वी कैन रूल दिस नेशन। फिर है सेपरेट तमिल स्टेट, कि तमिल स्पीकर्स का एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए जहाँ पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ब्रॉडली अगर हम समझ लें तो ये है रीजनल ऑटोनॉमी, जहाँ पे एक ऐसा रीजन जहाँ पे उनके खुद का खुद की सरकार हो, खुद के कंट्रोल हो, वो वहाँ पे अपने कल्चर के हिसाब से रह सके। देन इक्वल अपॉर्चुनिटी जॉब्स में, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिकल लाइफ में या फिर गवर्निंग रोल में भी उनका एक योगदान हो, वो ये चाहते थे। उसके अलावा तमिल स्टेट, उनका खुद का एक सेपरेट स्टेट हो जिसका उन्होंने नाम रखा ईलम। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है आपको, ईलम, दिस इज़ द मेन डिमांड। अब हम बात करेंगे बेल्जियम। देखो हमने स्टार्टिंग में जो भी पढ़ा था, एक हम समअप कर लेते हैं। दिस इज़ द मैप ऑफ बेल्जियम, फ्लेमिश रीजन जहाँ पे डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, वलून रीजन जहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स हैं, दिस येलो स्मॉल पोर्शन इज जर्मन स्पीकर, एंड यहाँ पे पूरा ही रिवर्स है। ठीक है ना, मेजॉरिटी वाली पॉपुलेशन कैपिटल में कम है, तो ये और ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग स्टेट है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो दोनों की जो प्रॉब्लम है वो सेम है, लेकिन फेस करने का तरीका या फिर उन दोनों का जो तरीका है उसको रिजॉल्व करने का काफ़ी अलग है। तमिल्स में आप देख सकते हैं सिलेना 74% है जहाँ पर मेजॉरिटीज़म है, ये इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर सिविल वॉर कंडीशन आ गई है। अगर हम और इसको देखें, इनके डिमांड्स अब जस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। अभी क्या है अकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम, ये क्या पॉलिसी है, अकोमोडेशन होता क्या है, अभी देखते हैं। देखिए, अब पावर शेयरिंग यहाँ पे क्या था, अकोमोडेशन पॉलिसी के अंदर लोगों को समझा जा रहा था, उन्हें अकोमोडेट किया जा रहा था और डिफरेंसेस को रिड्यूस किया जा रहा था। श्रीलंका में अलग था, वहाँ पे इग्नोर किया जा रहा था, जिसकी वजह से डिफरेंसेस बढ़ रहे थे। अगर हम यहाँ देखें तो 1970 से लेकर 1993 तक चार बार अमेंडमेंट कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि पीसफुली सब कुछ जो मैटर है वो रिजॉल्व हो सके। अब यहाँ पे क्या किया गया, देखो ध्यान से, पूरे ही यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको तीन पार्ट में इन्होंने क्या कर दिया है, पार्ट दिया है, जैसे सेंट्रल, स्टेट एंड एकदम नीचे लेवल पर कम्युनिटी गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव इक्वल होंगे, जैसे मान लीजिए अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो 50% विल बी फ्रॉम डच स्पीकिंग मेंबर्स एंड 50% विल बी फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग। जिससे क्या हुआ, इक्वालिटी वहाँ पे स्टैब्लिश हो पाया। अब एक स्पेशल लॉ है, अगर कोई भी स्पेशल लॉ होगा तो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी के द्वारा होगा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, उसके बाद में स्पेशल पावर, स्पेशल पावर किसको दे दिया गया, कोई भी स्पेशल पावर किसी एक कम्युनिटी को नहीं दिया गया है, जो भी डिसीजन लेंगे मिलकर लेंगे
कोई कम्युनिटी उसे लागू नहीं कर सकती। देन स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं है, जैसे कि वलून रीजन है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मानेगी, वो अपने हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से उस रीजन को हैंडल कर सकती। अब आप देख सकते हैं कैपिटल ब्रिजल, अब जो ब्रिजल्स हैं वहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन था, क्या था वहाँ पे एकदम जो पॉपुलेशन है वो रिवर्स है, जो माइनॉरिटी है वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी है, तो वहाँ पर किस तरीके से किया गया, उनके लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, ठीक है, और वहाँ पे भी सेम रखा गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर 10 मिनिस्टर्स हैं तो 5 विल बी फ्रॉम डच स्पीकिंग एंड 5 विल बी फ्रॉम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया गया। एक और तरह की गवर्नमेंट बनी जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसका क्या काम था, इसका काम था कि ये कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को और बढ़ावा दे, ना कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज को, तीनों लैंग्वेजेस को, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जर्मन सिर्फ 1% है लेकिन तब भी उनको इग्नोर नहीं किया गया, अगर उनको इग्नोर कर दिया जाता तो हो सकता है कि बेल्जियम में भी सिविल वॉर हो जाता, लेकिन उनको भी इंक्लूड किया गया। दिस इज द रीजन। सो फीचर्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बेल्जियम मॉडल, सबसे पहले सिविल वॉर, सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि सिविल वॉर ना हो, सबकी बातों को सुना जाए, सेकेंड पीसफुली मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। थर्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे, अलग अलग टायर्स बना दिए, सेंट्रल, स्टेट एंड देन कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, फिर उसके आने कल्चरल गवर्नमेंट भी बनाई गई, ये आप देख सकते हैं, इसीलिए ब्रसेल्स में आज हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, क्यों, बिकॉज इट इज वेरी पीसफुल। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका, दोनों के पास सेम प्रॉब्लम थी लेकिन दोनों का जो आउटकम था वो अलग था, दोनों की अप्रोच अलग थी बेसिकली, इसलिए अकोमोडेशन पॉलिसी, यहाँ पे मेजोरिटिज्म, पॉलिटिक अप्रोच कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है, सबको अकोमोडेट करना है, सबको मिलकर रहना है, यहाँ पे क्या है, मेजोरिटी है वो सिर्फ अपनी बात सुन रहे हैं, दूसरों को इग्नोर कर रहे हैं। स्टैब्लिश क्या हो गया, पीस स्टैब्लिश हो गया, यहाँ पे सिविल वॉर हो गया क्योंकि आपने इग्नोर किया है, तो वो अपनी बात सुनवाएंगे आपको। अब इसके बाद में लिंग्विस्टिक कम्युनिटी टू लिव टुगेदर इन अ सेम कंट्री, लेकिन यहाँ पे लिंग्विस्टिक नहीं है, यहाँ पे ये सेपरेट स्टेट की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इनको सप्रेस कर दिया गया ना, इनको पता है कि साथ हम रह ही नहीं सकते। उसके बाद में पाथ ऑफ डेवलपमेंट, पीसफुल मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया गया, नाउ एवरीवन इज लिविंग टुगेदर एंड दे आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, यहाँ पे ऐसा नहीं। स्टैब्लिश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दे आर स्टिल डिमांडिंग फॉर देयर राइट्स, देयर ओन स्टेट। देन स्टैब्लिश ट्रस्ट एंड हार्मनी, सीधी बात है, अगर आप पीसफुली मैटर सॉर्ट आउट कर रहे हो तो देयर विल बी अ ट्रस्ट एंड हार्मनी, यहाँ पे वाइस वर्सा है, डिससेटिस्फैक्शन होगा। अब और भी अगर हम देखें, वाई पावर शेयरिंग इन नेसेसरी इन डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग करना इतना नेसेसरी क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम बात करें, देर आर टू मेन रीजन फॉर द नेसेसिटी ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजन, सेकेंड इज मॉरल रीजन्स, ठीक है, कितने तरह के रीजन होते हैं, दो तरह के, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। तो बच्चों आज इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो यहीं से कंटिन्यू होगा इसी क्वेश्चन से, तो हम लोग और इसको ब्रॉडली समझेंगे और डिटेल में इन दोनों को हम समझेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।